आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संघर्ष युवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी ने किया मेजर ध्यानचंद्र की मूर्ति पर माल्यार्पण व हर्षोल्लास के साथ आतिशबाजी कर मिठाई और वितरण कर जन्मोत्सव के रूप में मनाया। झांसी आज 29 अगस्त 2021 को संघर्ष युवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी के बतौर मुख्य अतिथि के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान के महान खिलाड़ी विश्व में अपनी व देश की पहचान बनाने वाले महानायक हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण व आतिशबाजी कर जन्मोत्सव के रूप में मनाया। ध्यानचंद स्टेडियम में समिति के सदस्यों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। संदीप सरावगी ने उपस्थित खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। स्टेडियम में उपस्थित क्रीड़ा अधिकारी व पदाधिकारियों ने इस आयोजन की सराहना की। इस शुभ अवसर पर नागरिक सुरक्षा वार्डन के मेंबर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुप्त राकेश अहिरवाल, विशाल विप्रिया, विकास विप्रिया, वसंत गुप्ता, सुशांत गेडा, ऐश्वर्या सरावगी, रवि रायकवार, श्याम झा, चित्रांत सोनी, रवि गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। झांसी से मंडल हेड इब्राहिम दास की खास खबर। क्या कार्यक्रम आज आएगी? आज हमारे झांसी वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस भी है और हमारे जो दद्दा झांसी जो बुंदेलखंड की मिट्टी में इन्होंने जन्म लिया है, इनकी वजह से आज पूरे झांसी में इतना हर्ष हो रहा है, इतना आनंद ले रहे हैं हम लोग जैसे दीपावली हो, क्योंकि ध्यानचंद दद्दा की वजह से हम लोगों का नाम पूरे विश्व में हो गया है। मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दद्दा की आज 116वीं जो जयंती है उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसीलिए हम लोग सारे शहर के नगरवासी और हमारे इष्ट मित्र सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने आज जन्मदिन में हिस्सा लिया है और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, और ख़ास तौर से माननीय मोदी जी का, जिनने खेल के नाम पर, जिन्होंने दद्दा के नाम पे, ध्यानचंद के नाम पे जो खेल रत्न पुरस्कार रखा है उसके लिए उनका भी सा धन्यवाद और सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। खिलाड़ियों के सहयोग के लिए यही बात मैं कहूँगा कि अगर भविष्य में किसी भी नगरवासी को ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे में कोई भी तरीका की ऐसी स्थिति है जिससे वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और उसके पास व्यवस्थाएँ नहीं हैं या कोई भी तरह की कोई परेशानी है, तो मैं संदीप सरावगी हमेशा ऐसे बच्चों के लिए, हमेशा ऐसे गरीब परिवारों के लिए खड़ा मिलूँगा।